गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस सेकंड फंडामेंटल रियल फोर्सेस, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट, ओके, और यहाँ पर ये फार्मूला उसका मैग्नीट्यूड का, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ओके। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है क्या है, देखिए द, अब यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर पेन जो एक रॉड है, तो ये आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, फेरस या आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऑल मॉलिक्यूल्स होल्ड टुगेदर इन दिस रॉड बिकॉज ऑफ विच फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ रहते हैं स्टूडेंट, या फिर एक मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करते हैं हम, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड अगर मान लेते हैं, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। सो वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? द फोर्स विच होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स इन साइड अ सब्सटेंस और कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट स्टूडेंट? देखिए इसके फर्स्ट डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, द फोर्स विच होल्ड्स मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पर ई एम फोर्स इस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट, या फिर अगर दो चार्जेस हैं, जैसे हमें पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है स्टूडेंट, है ना। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है स्टूडेंट, दैट इज गिवन बाय कूलम्स, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कूलम, ओके। तो देखिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो इनका एक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या स्टेटमेंट होगा, उसी तरह से जिस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेटमेंट था, है ना। देखिए यहाँ पर अगर दो पॉइंट चार्जेस हम कंसिडर करते हैं, ए इसके ऊपर प्लस क्यू वन चार्ज है और बी पॉइंट जिसके ऊपर प्लस क्यू टू चार्ज है, ओके, और उनके बीच डिस्टेंस है यहाँ पर आर, आर डिस्टेंस है। तो स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर उनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, मतलब क्यू वन क्यू टू, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच डिस्टेंस कितना आर है, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट है ना इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर मासेस का प्रोडक्ट था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट है, ओके। तो ए और बी पॉइंट के ऊपर पॉइंट चार्जेस अगर हम कंसिडर करते हैं प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन टू पॉइंट, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन निकालते हैं तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है स्टूडेंट, तो कॉन्स्टेंट होता है के क्यू वन Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर,
वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी। ओके, और ये जो कॉन्स्टेंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। तो के डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ओके, तो अगर दोनों के बीच फ्री स्पेस या फिर एयर होता है तो के की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होती है स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पर अगर मीडियम आते हैं लिक्विड या फिर दूसरा कोई भी मीडियम अगर इस दो पॉइंट के बीच आता है तो वहाँ पर के की वैल्यू कम हो जाती है स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। ओके, तो ये जनरल मैथमेटिकल फार्मूला है, इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निकाल सकते। तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है स्टूडेंट। ओके, और एक यहाँ पर देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हो गया। ओके, अगर एक पॉइंट चार्ज है मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। ओके, एंड इफ इट इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और वो मैग्नेट इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सपोज यहाँ पर यन पोल है और यहाँ पर यस पोल है, यन पोल मतलब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और यहाँ पर यस पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है स्टूडेंट, फ्रॉम यन पोल टू यस पोल, है ना, बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम यन एंड एंड्स ऑन यस पोल। तो अगर इसमें ये पॉइंट चार्ज हम रखते हैं तो पॉइंट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा स्टूडेंट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, या फिर अगर दो बार मैग्नेट्स हैं, देखें यहाँ पर दो मैग्नेट्स हम कंसिडर करते हैं, ये मैग्नेट वन होगा। ओके, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, M1 M2, और यहाँ पर दूसरा बार मैग्नेट है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ M1, सपोज ये M1 है तो दोनों तरफ पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, तो यहाँ पर हम M2 कंसिडर करते हैं, तो ये M2। ओके, तो ये यन पोल है और यस पोल है, तो यन पोल पर पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है, यस पोल पर पोल स्ट्रेंथ निगेटिव होती है। ओके, तो यहाँ पर ये यन पोल है और ये यस पोल है, तो ये प्लस और माइनस होगा। तो देखिए यन पोल फेसिंग ईच अदर, तो ऐसे दो अगर बार मैग्नेट होते तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ना, सो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, एंड दिस इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। ओके, इनके बीच मैग्नेटिक फोर्सेस होते तो यन के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, अगर यन के जगह पर यस पोल लाते तो फिर यस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच ये जो फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट, इसका भी यहाँ पर फॉर्मूला है दैट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए इस बार मैग्नेट का सेंटर और इस बार मैग्नेट का सेंटर अगर ये ज्वाइन कर देते हैं हम, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज आर। तो देखिए तीनों भी स्टेटमेंट सेम है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय आर स्क्वेयर, यहाँ पर चार्जेस के लिए फॉर्मूला देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पर सेम स्टेटमेंट है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय आर स्क्वेयर। व्हाट इज M1 M2, दैट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू डिफरेंट बार मैग्नेट्स। ओके, तो यहाँ पर M1 M2 का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वेयर, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी ये जो कॉन्स्टेंट होता है के दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू बार मैग्नेट्स, तो इनके बीच मीडियम अगर चेंज करते हैं हम तो ये फोर्स भी उनके बीच का चेंज होता है स्टूडेंट। ओके, तो ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो देखिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करें। ओके, तो चलिए स्टूडेंट और कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए अगर लिक्विड हो या कंपाउंड हो, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्सेस होते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जैसे उसके दो टाइप्स होते हैं, देखिए कोहेसिव फोर्स
कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ओके, तो ये दो टाइप भी यहाँ पर किसके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। तो कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे देखिए एक ग्लास बीकर है, उसके अंदर अगर हम वाटर डालते हैं, ओके देखिए यहाँ पर एक ग्लास बीकर है और ये वाटर इसके अंदर हमने डाल दिया, तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, सो दैट इज कोहेसिव फोर्स। अगर ये वाटर हम पूरा दूसरे वेसल में डाल देते हैं, ओके तो इस वेसल में देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे स्टिक हो जाते हैं ना सरफेस को, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ओके बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखिए अभी तक यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे जैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, रियल फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस, तो मार्कर पेन यूज़ किया है ना मैंने, मार्कर पेन, ब्लैक मार्कर पेन। तो ब्लैक मार्कर पेन के अंदर क्या होती है, ब्लैक इंक होती है, तो ब्लैक इंक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये जो ब्लैक इंक के मॉलिक्यूल्स है दैट स्टिक विद द वाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स है और ब्लैक इंक के जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड्स और इंक यहाँ पर स्टिक होगी ना बोर्ड के ऊपर, तो इंक मॉलिक्यूल और बोर्ड मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज एडहेसिव फोर्स, ये एडहेसिव फोर्स होता है। और ये भी एक तरह का कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये जो सारे फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स में देखने वाले स्टूडेंट, तो तब हम ये डिटेल में देखेंगे इनके एक्सप्रेशंस वगैरह क्या है। ओके जैसे हमने यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस, तो जस्ट इक्वेशंस हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये पॉइंट डिटेल में देखने वाले, वैसे ग्रेविटेशनल में ये पॉइंट डिटेल में देखने वाले, ओके मैग्नेटिज्म के अंदर हम ये मैग्नेटिक फोर्स का पॉइंट डिटेल देखने वाले, वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होंगे, ओके ये हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स में देखने वाले हैं। तो ब्रीफली यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं ये यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखें, अगर यहाँ पर दो सरफेस हैं, ओके ये फर्स्ट सरफेस हो गया और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक, तो ये दोनों मतलब सब्सटेंस के जो सरफेसेस हैं यहाँ पर कांटेक्ट है ना, अगर ऊपर का सरफेस यहाँ पर मूव करते इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो ये नीचे का जो सरफेस होगा इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ अदर सरफेस। तो यहाँ पर दो सरफेस अगर मूविंग है तो एक सरफेस की मूवमेंट को दूसरा सरफेस क्या करता है, अपोज करता है। जैसे देखिए हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था टू एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब हम पैडलिंग करते हैं साइकिल को तो साइकिल चलती है, ठीक है, पैडलिंग करना अगर स्टॉप कर देते तो साइकिल क्यों रुकते हैं, उसकी वह एक वजह है, मेन वजह दैट इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर ऑफ द बाइसिकल एंड रोड सरफेस, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है स्टूडेंट। ओके तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके ऑल दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। देखिए इन नेचर जितने भी रियल फोर्सेस है, ओके ऑल आर क्लासिफाइड ओनली इन थ्री टाइप्स, नंबर वन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही तरह का होता है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, मैटर्स और बॉडीज। ओके तो यूनिवर्स में जितने भी यहाँ पर स्टार्स या प्लैनेट्स है और जो रिवॉल्विंग है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी हमने यहाँ पर अभी फोर्सेस डिस्क्राइब किए और जो डिस्कस होंगे आगे चैप्टर्स में या आर्टिकल्स में, वो तो सारे यहाँ पर फोर्सेस बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे देखिए फोर्स विच होल्ड्स मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है आयंस के बीच, ओके यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स
कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो ये सब यहाँ पर क्या हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस स्टूडेंट। जैसे देखिए टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, ओके, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट। तो ये सारे जो फोर्सेस है बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो हम डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, देखिए नंबर वन, यहां पर भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बिटवीन टू आयंस या बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट लाइज अलोंग अ लाइन जॉइंट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और आयंस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग अ लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। सपोज यहाँ पर हम चार्जेस लेते हैं, जैसे ए चार्ज बी चार्ज, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके ऊपर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जर्ट होता है। जैसे देखिए इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। सो दिस इज एफ वन, दिस इज एफ टू। सो फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड, ये इस तरह का होगा ना, रिपल्स बी पॉइंट अवे फ्रॉम द ए पॉइंट। उसी तरह से बी चार्ज पॉइंट भी यहाँ पर क्या करता है, इस ए पॉइंट चार्ज को रिपेल करता है। सो दैट फोर्स इज एफ टू। सो इट एक्ट्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। यहाँ पर देखिए दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो, रिपल्सन मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो एग्जर्ट अलॉन्ग अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बार मैग्नेट्स। ओके स्टूडेंट, सेकंड देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर फोर्सेस आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। जैसे यन यन पोल फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, यन यस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब अगर यहाँ पर देखें दो पॉइंट चार्जेस है, तो इनके बीच अगर मीडियम चेंज होता है तो वहाँ पर उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो भी चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो, ये जो कॉन्स्टेंट के होता है स्टूडेंट, दैट के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस या टू बार मैग्नेट्स। तो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चेंज होता है। ठीक है, नंबर फोर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमने लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, एक्चुअली इट इज वेरी इन्फिनेटली लॉन्ग रेंज फोर्स। उतनी इन्फिनेटली लॉन्ग रेंज फोर्स ये नहीं होता है। ओके, तो ये फाइनेट रेंज होती है इसकी, लेकिन लॉन्ग होती है कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नंबर फाइव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इस तरह से शॉर्टली लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होता है स्टूडेंट। देखिए इसका इलस्ट्रेशन क्या देंगे हम, देखिए दिस इज मार्कर पेन। ओके, तो मार्कर पेन अगर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, इस तरह से ड्रॉप करता हूँ, तो ये मूव होता है टूअर्ड्स द अर्थ सरफेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है। अगर यहाँ पर देखिए कि मार्कर पेन का एक पॉइंट यहाँ पर होल्ड करता हूँ, ओके, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर, ये भी इसके साथ ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर नीचे जो पोर्शन होगा, ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अर्थ का,
लेकिन ये मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पर इनके बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच, और वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर है, तो इस एक्सट्रीम मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हूँ तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर आ रहे हैं ना, तो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, लेकिन कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो उससे बहुत स्ट्रांग होता है ये, मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 न्यूटन लेते हैं, ओके, ये हो गया यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है? तो इट इज़ 10^38 टाइम्स, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है स्टूडेंट, ठीक है? तो 10^38 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है स्टूडेंट। और देखिए नंबर 6, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऑफ डिस्टेंस। इसे यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट नंबर 3, न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें दो टाइप्स है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले न्यूक्लियर फोर्स का मीनिंग क्लियर करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स विच होल्ड्स द न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, दैट मीन्स 2, 8, 1, राइट? तो सोडियम का जो न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिट्स होंगे ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है 11, और उतने ही प्रोटॉन्स 11 प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पी प्लस, इस तरह से 11 प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, और वहाँ पर और 12 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये 11 प्रोटॉन्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद एक साथ यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो इसको होल्ड करता है न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स विच होल्ड्स द न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है स्टूडेंट, ओके, तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। तो देखिए नंबर 1, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। तो देखिए जनरली लेड तक, मतलब पीबी प्लम्बम लेड है ना, यहाँ तक न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए कि उनके अंदर जो न्यूक्लियंस हैं, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ओके, तो उनकी जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है, एंड दैट न्यूक्लियर फोर्स कैन ईजिली होल्ड दिस न्यूक्लियंस अप टू लेड। तो यहाँ पर लेड मतलब 82 और ये अप्रोक्सीमेटली 200 होता है स्टूडेंट, मतलब इसका मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि न्यूक्लियस की एक कैपेसिटी होती है, न्यूक्लियस की एक कैपेसिटी होती है जो 200 न्यूक्लियंस तक इजीली कंफर्टेबली होल्ड कर सकता है। ओके, तो लेड के पहले जितने भी मतलब 81 न्यूक्लियस है या एलिमेंट्स है उनके न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो सोडियम तो यहाँ पर सिर्फ 11 और 12, इसका ओके, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है स्टूडेंट? 23, मतलब ओनली 23 न्यूक्लियंस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग फोर्स होता है, दिस इज नोन एज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब इस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है, तो फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, ओके, तो ये कितना होता है? 10^-14 मीटर। सो दिस इज द रेंज ऑफ
न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए यहाँ पर आउटर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियॉन्स। ओके, आउटसाइड द न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, और एक इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया ना 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, लेकिन इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है, ओके, सो टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स अगर यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन है अलग से हमने यहाँ पर लाए हैं और न्यूक्लियस के बाहर है, ओके, तो न्यूक्लियस के ऊपर ड्यू टू प्रोटॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज अब इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिपेल करेगा स्टूडेंट, ये रिपेल करेगा, तो ये प्रोटॉन इसके अंदर अट्रैक्ट नहीं होगा वो, है ना, बिकॉज न्यूक्लियस यहाँ पर इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेकिन वो कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, लेकिन न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने वाला फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स, ओके, तो ये न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस तक ही सीमित होता है, और ये इसकी रेडियस कितनी होती है न्यूक्लियस की, 10^-14 मीटर, इसलिए ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होगी, वो भी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की 10^-14 मीटर, तो यहाँ तक ही न्यूक्लियर फोर्स उसका फोर्स एग्जर्ट करता है, तो इसलिए ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ओके, सो इट इज वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही शॉर्ट होती है, 10^-14 मीटर तक ही होती है, ओके, नाउ अब 82 के पहले जितने भी न्यूक्लियस है और एलिमेंट्स है उस सब स्ट्रांग न्यूक्लियस फोर्स होता है, ओके, नाउ अब देखिए न्यूक्लियस की भी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मान लेते हैं कि 200 न्यूक्लियॉन्स तक न्यूक्लियस इजीली न्यूक्लियॉन्स को होल्ड कर देता है, लेकिन अगर न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर फिर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना, देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम यूरेनियम 92-235, ओके, तो यूरेनियम जो होगा उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है स्टूडेंट, इसका जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है, ओके, अनस्टेबल किस लिए, बिकॉज यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है यूरेनियम का उसके अंदर 235 न्यूक्लियॉन्स है ना, मतलब बियॉन्ड 200, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स इनसफिशिएंट हो जाता है कि इतने सारे न्यूक्लियॉन्स को एक साथ यहाँ पर होल्ड कर सके, इसलिए क्या होता है फिर कि कुछ पार्टिकल जो न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल्स है उसका इमिशन होता है, जैसे हमें पता है कि 82 के बाद लेड के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है एक इमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, ओके, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशंस होता है इन रेडिएशन का, तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स है और गामा रेडिएशन है, तो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है हीलियम, इट इज़ सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियाई, और बीटा पार्टिकल मतलब इट इज़ सिमिलर टू वन इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्टिकल्स और रेडिएशंस बाहर आ जाते हैं, व्हाई, बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी इन द न्यूक्लियस, तो ये एक्सेस जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं बाय द इमिशन प्रोसेस, ओके, तो इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है जो अनस्टेबल है, सो दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये सेकंड टाइप है स्टूडेंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए यहाँ पर जो रेडिएशन सिमिट आउट हो रहे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसका मतलब इनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स उतना नहीं है, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बन जाता है इसमें, ओके, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मतलब कहाँ तक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होगा, लेड तक, और उसके बाद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है स्टूडेंट, ओके, वो सब के अंदर न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, वीक होता है, ओके, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो इससे भी बहुत कम होती है, दैट इज 10^-15 टू 10^-16 मीटर तक सीमित होती है, बहुत कम होती है, इट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज। नाउ वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो इंटेंसिटी न्यूक्लियर फोर्स की बहुत कम होती है,
कंपेयर टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ओके, लेकिन वो उतनी भी कम नहीं होती कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसी, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम हो जाता है इसकी इंटेंसिटी न्यूक्लियर फोर्स की, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर तीन फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ओके। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, और ये न्यूक्लियर फोर्स होगा, एन फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है मान लेते हैं, तो कंपेरेटिवली बाकी दो फोर्सेस कैसे होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है 10^+38 टाइम्स, इतना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और न्यूक्लियर फोर्स होता है 10^40 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब कंपेरेटिवली कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा है, स्ट्रांगेस्ट है, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे थोड़ा कम होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन द नेचर, ओके। लेकिन यहाँ पर जो दो टाइप्स है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रांगेस्ट फोर्स है नहीं, 10^40 टाइम्स कंपेयर टू 1 न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ओके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम होता है, वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, रियल फोर्सेस, सुडो फोर्सेस, रियल फोर्सेस जो एग्जिस्ट होते हैं नेचर के अंदर, उनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन किया है। अब जो सेकंड टाइप है, सुडो फोर्स, नॉन रियल फोर्सेस, ओके, दिस फोर्सेस अराइजेस इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, तभी वो अराइज होते, अदरवाइज दे आर नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, राइट।